ਬੇੜਾ ਘਰ ਕਰਤਾ ਕਨੋਮੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੇੜਾ ਘਰ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਅਗੂ ਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਿਫਤਾ ਹਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ ਨੇ ਅ ਕੀ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਥਾ ਆਪਨੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੌਫੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਕੇ ਕੈਨ ਜੀ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਿਫਤਾ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਫਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ

जो तो बिना तो <laughs> ना, बेड़ा दे की यार साहब बात वो करे जो समझ आने वाली है पाकिस्तान को आपने पहुंचा दिया है बस दिवाली होने के करीब ही है

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏਗਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਚైనా ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੁਖਾਂਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਗਰਸੋਂ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਠ ਟੈਰ ਰੱਖਾ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਭਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਂਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨੀਆਂ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾੜ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਦੱਸੋ

ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇਗਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰਤਾ ਇਹ ਤੇ ਟੈਰਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਓ ਵਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਓਦਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਸੁਸਤੀਆਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਨੀਂਦਰਾ ਰੱਖ ਲਓ ਥਕਾਵਟ ਰੱਖ ਲਓ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਖਮੋਸ਼ੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ

और आप जिस तरह रिकॉर्ड की बात करते हैं आपको वो सकूक बॉन्ड तो याद होंगे और जैसे आप बात करें कि सबका वो हाँ। तो सबका वो अवार्ड मिलना, मिलना है ना तेरे फंबल होने तो मिलना है

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਾਲਰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸلیم ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੱਸਾਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਕਦਾਰ ਮੱਸੀਆ ਸ਼ੋਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੱਸਾਓ साहब ये बताइए कि 500 मिलियन डॉलर आपने बंगवाए हैं चाइना से तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा अच्छा मेरी बात सुने हम सौ रुपए का कार्ड लेते हैं पहले रिचार्ज पे पंद्रह कट जाते हैं पे अलग कटते हैं अलग हैं कहा उन्होंने कहा है कि आपको चैलेंज उनको हंसा के दिखाएं चलो चैलेंज कंप्लीट करो यार साहब ये चैलेंज ना दें सबसे पहली जुगत फिर मैं आपको लगाता हूँ देख लो जैसे आटे में लदा हुआ होता है यार हाँ? देख लो जैसे कद्दू बुजुर्ग हुआ होता है okay. नहीं मैंने कभी कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की लेकिन मैं आपको देख के जरूर करूंगा बोल देख लें जैसे भंग वाला केक होता है डार देख लो जिमे मुन्ना टहरा वाला होता है डार देखो जिन्ह कबरा खडा दिलसा होता है

साहब आज आपकी वजह से हमें टगे टगे की बात सुननी पड़ी है यार साहब आपका इलाज अवाम के हाथ है और आवाम साथ बैठी है आप लगाए टायरों वाले जुगत एक। ये दौरा है डार साहब ये बताए की मिया साहब कब आ रहे हैं इलेक्शन तो पहले थे हमें कैसे यकीन आएगा उन्होंने कॉल से ले लो हाँ जरूर जी मिया साहब को कॉल पे लीजिए हेलो हेलो मियाँ साहब मस्तिया में आपको वेलकम करते हैं क्या हाल है आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीना कि आपने जो है वो मेरी कॉम से जो है वो मेरी बात करवा दी जी? मैं आपका शो लंदन में बैठ के बहुत शौक से देखता हूँ अच्छा थैंक यूकूम मियाँ साहब ये कौन है वाले डार साहब मैं आपको बड़ा मिस कर रहा हूँ जो मियाँ साहब अलादन में आ रहे मानो कि वहाँ मुझे एक से एक लतीफा सुनाया जा रहा है कोई मजा नहीं आ रहा खानों में वो जायका नहीं अच्छा पीना जी 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 तो मिया साहब यहाँ आइए ना अपने पसंद के खाने खाइए कौम आपका इंतजार कर रही है जरूर जरूर मैं इलेक्शन से पहले अपनी आवाम के दरमियान होऊंगा मिया साहब आपसे एक बात करना चाहूंगा मैं यार साहब ये कौन है ए, ए, चुगल खोरेगा नाना नाना बाबा तो खोरों से हमारी नहीं बनती। नहीं, नहीं, मैं आपका फैन हूँ आप दे मु <laughs> नहीं कहना चाह रहा था कि अब तो आपके आने की जो राय वो काफी हमवार हो चुकी है क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट तो जा चुकी है लेकिन जो आपने दो तीन और शराय रखी हैं अगर वो पूरी नहीं होंगी तो क्या आप बाकी तशरीफ नहीं लाएंगे देखिए बहुत ही अहम सवाल किया है इस नौजवान ने देखे राह हमवार हो गई है लेकिन अगले दिन उस पर पैरों के निशान होते हैं जिस दिन ये पैरों के निशान मिट गए मैं समझूंगा मेरी राह हमवार हो गई क्यों डार साहब क्या बात है अगर तुसी चाहो जी तो मियां साहब नु कास्ट कर सकते हैं <laughs> <laughs> मैं तो बड़ा <laughs> तुसी आधे घंटे बाद हसे हो <laughs> <laughs> मैं तो बड़ा लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूं अरे तुम्हें याद है डार वो लतीफा वो सुना दूं इन्हें हां हां मियां साहब प्लीज सुनाए ना लतीफा भाई एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे हो दूसरा आदमी ऐसा हो भाई शोधा यह असर है मियाँ साहब नहीं ला दे गया। <laughs>